कैथल में हरियाणा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हरियाणा में नियुक्ति 2006 के बाद नियुक्ति होगी। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 2018 से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के द्वारा प्रदेश में लगातार पेंशन आंदोलन चलाया जा रहा है। जिला सचिवालय पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन की नीति की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। तो कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति संबंधित नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से चार राज्यों राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है। तो संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुंचे हैं सभी संगठनों ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। प्रदर्शन सर, ये प्रदर्शन हम किसी खुशी से नहीं कर रहे, ये हमारी मजबूरी है। कर्मचारियों की 2006 के बाद हरियाणा में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई और हमें बाजार के आधारित शेयर मार्केट पे छोड़ दिया गया। प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर 2006 के बाद जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको बंद कर दिया। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य था क्योंकि उनका जो लास्ट सैलरी है उसका 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन एनपीएस के अंदर क्या किया गया है, 10% हमारी सैलरी से काटा जा रहा है, वो भी हमारे बगैर सहमति के, और 14% हरियाणा सरकार उसके अंदर मिलाकर 24% जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लगा दिया जाता है। यदि शेयर मार्केट डूब जाता है, जब भी शेयर मार्केट डाउन होता है तो कर्मचारी के एनपीएस के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसलिए ही इसके विरोध में हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको ही दोबारा से बहाल किया जाए ताकि हमारा जो बुढ़ापा है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रह सके, हम अच्छा जीवन बिता सकें।